CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम कागज की कहानी। आलेख रामफल विश्वेंदु का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, क्या तुम जानते हो जिस कागज पर तुम लिखते हो, जिस पर किताबें छपती हैं, अखबार छपते हैं, तस्वीरें छपती हैं, वो कागज कैसे बनाया जाता है? तुम मन ही मन सोच रहे होगे, अरे हमें तो पता ही नहीं। कोई बात नहीं, आओ आज हम तुम्हें कागज के ही बारे में एक कहानी सुनाते हैं। बच्चों, बात उस समय की है जब दुनिया में कागज बहुत कम बनता था और बहुत थोड़े लोगों को ही मिल पाता था। और तो और बच्चों, बहुत कम लोग ऐसे थे जो कागज बनाना जानते थे। बात बहुत ही पुरानी है। एक राजा था। एक बार आग लगी और उसका सारा का सारा कागज आग में जल गया। राजा बहुत परेशान हुआ। करे तो क्या करे, लिखे तो किस पर लिखे, अब कागज कौन बनाए? एक दिन राजा बहुत दुखी बैठा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज मुझे एक तरकीब सूझी है। राजा ने कहा, कहो कहो मंत्री जी, क्या है वह तरकीब? आप चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दें कि जो कोई कागज बनाकर देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। राजा को ये तरकीब पसंद आ गई। उसने ढिंढोरा पिटवाया। सुनो 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 सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, सुनो कान खोल कर सुनो, राजा का ये ऐलान सुनो। आग ने सारा कागज जलाया, राजा ने ये ऐलान कराया, कागज बना के जो लाएगा इनाम वो राजा से पाएगा। सुनो 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 सुनो। इस तरह सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। 15 दिन बीत गए, कोई भी आदमी राजा के पास नहीं आया। राजा दुखी हो गया। वो अपने महल में बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा आया। उसका नाम था मंगलू। उसने राजा से कहा, महाराज मैं कागज बनाना जानता हूँ। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बोला, मंगलू मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा, बस जल्दी से तुम कागज बनाना शुरू कर दो। मंगलू ने कहा, महाराज इसके लिए आपको एक ढिंढोरा पिटवाना पड़ेगा। रद्दी चीजें फटी पुरानी मेरे घर होंगी पहुंचानी, उन्हें काम में लाऊंगा मैं, उनसे कागज बनाऊंगा मैं। अब बच्चों, ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जितनी भी फटी पुरानी चीजें हो उन्हें मंगलू के घर पहुंचा दिया जाए। ये ढिंढोरा रद्दी कागज के ढेर ने भी सुना। अब रद्दी कागज का ढेर तो खुद ही चल पड़ा मंगलू के घर की तरफ।
रास्ते में कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े थे। उन्होंने रद्दी कागजों से पूछा, रद्दी कागज सुबह सवेरे किधर चले? कागज बोला, हम मंगलू के पास चले। पुराने कपड़े ने फिर पूछा, ऐसा भी क्या काम पड़ा सुबह सवेरे जाना पड़ा? हमें काम में लाएगा वो, राजा का कागज बनाएगा वो। हम आ जाएंगे कुछ काम, राजा मंगलू को देगा इनाम। अरे तुम भी चलो ना साथ। तो बच्चों, फटे पुराने कपड़े भी रद्दी कागज के साथ चल दिए। रास्ते में कीकर की छाल पड़ी थी। उस छाल ने देखा कि रद्दी कागज और फटे पुराने कपड़े कहीं जा रहे हैं। कीकर की छाल ने पूछा, रद्दी कागज फटे कपड़े सुबह सवेरे किधर चले? पुराने कपड़ों और रद्दी कागज ने जवाब दिया, हम मंगलू के पास चले। कीकर की छाल ने फिर पूछा, ऐसा भी क्या काम पड़ा सुबह सवेरे जाना पड़ा? रद्दी कागज और फटे पुराने कपड़े बोले, हमें काम में लाएगा वो, राजा का कागज बनाएगा वो। हम आ जाएंगे कुछ काम, राजा मंगलू को देगा इनाम। कीकर की छाल बोली, मैं भी चलूं क्या? हाँ हाँ जरूर चलो। तो बच्चों, रद्दी कागज और फटे पुराने कपड़ों के साथ कीकर की छाल भी चल दी। रास्ते में उन्हें मूंछ की पुरानी रस्सियां मिली, सन मिला, कौड़ी मिली, बोतल मिली। अब तो ये सारे के सारे चल दिए मंगलू के घर की तरफ। बच्चों, तो ये सारे के सारे पहुंचे मंगलू के घर। मंगलू के घर का दरवाजा बंद था। रद्दी कागज ने आवाज लगाई, मंगलू दादा, ओ मंगलू दादा, खोलो किवाड़, बाहर आओ। मंगलू ने भीतर से पूछा, कौन है, अपना नाम बताओ। रद्दी कागज ने जवाब दिया, दादा हम हैं बहुत जने। आए हो तुम क्या करने? हमें बुलाया था ना तुमने, हम सब आए कागज बनने। तो बच्चों, मंगलू ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने झटपट दरवाजा खोला। मंगलू, रद्दी कागज, फटे पुराने कपड़े, कीकर की छाल, मूंज की रस्सी और सन को घर के भीतर ले गया। वहां पानी से भरा एक बहुत बड़ा हौज था। मंगलू उनसे बोला, एक एक करके जाओ उधर, कूद पड़ो उस हौज के अंदर। जब तक तुमको कहूं नहीं, देखो रहना सारे वहीं। अब बच्चों, वे सभी एक एक करके उस हौज में कूद गए। फिर मंगलू ने बोतल और कौड़ी से कहा,
प्यारी प्यारी बोतल, प्यारी प्यारी कौड़ी, 10-12 दिन करो आराम, दे दूंगा तुमको भी काम। तो बच्चों, बोतल और कौड़ी भी मंगलू के घर ही बैठ गई। 10-12 दिन बाद मंगलू ने हौज में पड़ी सब चीजों को धोया, कूटा और फिर साफ किया। तो बच्चों, इन सब चीजों की बन गई लुगदी। मंगलू ने लुगदी को चबूतरे पर फैलाया और दबा दबा कर उसका पानी निकाला। मंगलू ने लुगदी को फैलाया, जोर जोर से उसे दबाया। हाँ, मंगलू ने लुगदी को फैलाया, जोर जोर से उसे दबाया। पानी सारा गया निकल, कागज जैसी हुई शकल। पानी सारा गया निकल, कागज जैसी हुई शकल। फिर मंगलू ने उसे सुखा दिया, कागज सबका बना लिया। हाँ, मंगलू ने फिर उसे सुखा दिया, कागज सबका बना लिया। मांड में उसको भिगो दिया और एक बार फिर सुखा लिया। मांड में उसको भिगो दिया और एक बार फिर सुखा लिया। इस तरह बच्चों, कागज तो बन गया, पर हाँ, वो चिकना नहीं था। अब मंगलू ने कौड़ी और बोतल को बुलाया और कहा, प्यारी बोतल, प्यारी कौड़ी, अब तुम काम दिखाओ अपना, है? इस कागज को रगड़ रगड़ कर इसे बना दो चिकना 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 चिकना। कौड़ी और बोतल ने रगड़ रगड़ कर कागज चिकना कर दिया। तो बस तैयार हो गया मंगलू का कागज। मंगलू ने सारा कागज उठाया और पहुंच गया राजा के महल में। उसने राजा को जब कागज दिखाया तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने मंगलू को बहुत से रुपए इनाम में दिए। मंगलू ने तो कागज हाथों से बनाया, पर अब तो कागज बड़ी बड़ी मशीनों से बनाया जाता है। मशीनों से कागज बहुत जल्दी बनता है। यदि कागज ना हो तो तुम किस पर लिखोगे? किताबें किस पर छपेंगी? किताबें नहीं छपेंगी तो फिर पढ़ोगे क्या? चिट्ठी और लिफाफे भी कागज के ही तो होते हैं। अब तुम्हें पता लग गया होगा कि कागज हमारे लिए कितने काम की चीज है। किस पर छपती है तस्वीर? कागज पर भाई, कागज पर। किस पर तुम भरते हो रंग? कागज पर भाई, कागज पर। किसकी बनती सारी किताबें? कागज की भाई, कागज की। अरे बच्चों, किसकी बने पतंग? कागज की भाई, कागज की। किस पर छपती है तस्वीर? कागज पर भाई, कागज पर। अरे किस पर तुम भरते हो रंग? कागज पर भाई, कागज पर। किसकी बनती सारी किताबें? कागज की भाई, कागज की। बच्चों, किसकी बने पतंग? कागज की भाई, कागज की। हाँ, कागज की भाई, कागज की। कागज की भाई, कागज की। कागज की भाई, कागज की। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।